प्रदेश के हरदोई में टडियावा पुलिस व स्वाट टीम ने एक इनामी बदमाश को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह आपराधिक बदमाश घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था, जिसके चलते इस बदमाश की जल्द धरपकड़ के लिए इनाम घोषित किया गया ताकि यह बदमाश आसानी से पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। गौरतलब है कि यह बदमाश इतना शातिर था कि पुलिस को चकमा दे देता था और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। इस बदमाश ने पुलिस के पसीने छुड़ा रखे थे। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि इनामी बदमाश टडियावा क्षेत्र में घूम रहा है, जिसके चलते पुलिस ने टीम का गठन किया और आरोपी बदमाश को रेड करते हुए दबोच लिया गया। यहां आपको यह भी बता दें कि इस बदमाश द्वारा लूट, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध किए हुए हैं, जिस पर संबंधित धाराओं के तहत कई मामले भी दर्ज हैं। एएसपी पश्चिमी कपिल देव सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि टडियावा पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा शातिर अपराधी दिलीप कंजड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले, लूट, डकैती तथा हत्या का प्रयास तथा हत्या सहित गंभीर मामले दर्ज हैं, जो काफी दिनों से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को काबू कर लिया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें ये मुख्य अभियुक्त हैं दिलीप कंजड़। ये इसके विरुद्ध 9 बहुत गंभीर अपराध के मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। डकैती के भी हैं, लूट हैं, 307 के केसेज हैं, चोरी नकदजनी के हैं। ये इनके ऊपर ये फरार था, 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज टडियावा इंस्पेक्टर और स्वाट टीम एसओजी की टीम के संयुक्त प्रयास से गिरफ्तारी हुई है और इसमें 3 और अभियुक्त थे जिनको पहले ही पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। ये मुख्य अभियुक्त था, आज गिरफ्तार हुआ है। 15,000 का इनाम था। क्या बरामदगी हुई है? इससे चोरी में जो पायल वगैरह थे सोने चांदी के, वो सब बरामद किए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।